कर्नाटक सरकार के मशहूर मिल्क ब्रांड नंदिनी को गुरुवार को दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसे कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया ने दिल्ली के अशोका होटल में लॉन्च किया। इस मौके पर कर्नाटक सरकार के एनिमल हस्बेंड्री विभाग के सचिव डॉक्टर अजय नागभूषण से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। दिल्ली के बाजारों में अब मदर डेयरी और अमूल के साथ साथ कर्नाटक का एक मशहूर ब्रांड और एंट्री लेने जा रहा है। इस ब्रांड का नाम है नंदिनी। मेरे साथ इस ब्रांड के बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं कर्नाटक सरकार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अजय नागभूषण जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, क्या तैयारी है, कब दिल्ली के बाजारों में ये प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा? प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी रेडी। वी आर मार्केटिंग फ्रेश मिल्क, जो ताज़ा मिल्क है उसको पैस्चराइजेशन करके यहीं पे रीपैकेजिंग करके वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। वी ऑलरेडी हैव अ सेट ऑफ डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। हमारे पास ऑलरेडी आपके डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो हमारा मिल्क का आपका सप्लाई शुरू कर सकते हैं। आज से ही लॉन्च किया हमने, आज से दिल्ली के बाजारों में ये मिल्क मिलना शुरू हो गया। रेडी है। तो पूरे दिल्ली में कब तक अगर देखा जाए, दिल्ली NCR में कहूँ, अभी के लिए हम ये मिल्क जो है हम लोग 2,500 किलोमीटर्स ट्रांसपोर्ट करके ले आना है। तो ये जो टैंकर्स हैं, स्पेशली सुपर चिल्ड टैंकर्स होते हैं, और उनका अभी के लिए हम लोग जो हमारे पास रेडी है अराउंड उतना अराउंड 1 लाख लीटर्स तक हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का रेडी किया है। एंड वी हैव टू मेंटेन द क्वालिटी एज वेल एज द टेम्परेचर, वो सब करके यहाँ पे ले आके रीपैकेज करके देन वील स्टार्ट द सप्लाई। और मेजर अवर क्लाइंट्स जो लोग ऑलरेडी हमारा नंदिनी का कंज्यूमर्स है, और डिफरेंट वेराइटीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं, हमारा 150 प्रोडक्ट है मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, उसका कंज्यूमर्स है। नाउ दे विल ऑल्सो गेट ऑप्शन ऑफ टेकिंग दिस फ्रेश टोन्ड मिल्क। अभी सीइंग द डिमांड एंड द अदर डेवलपमेंट्स हाउ मच वी हैव टू, बिकॉज हमारे पैकेजिंग यूनिट रीपैकेजिंग यूनिट का भी कैपेसिटी एंड ऑल दोस थिंग्स विल हैव टू एनहेंस, बट बेसिकली वी आर हैप्पी दैट वी आर गोइंग टू गिव ए वेरी गुड प्रोडक्ट। ये जो नंदिनी मिल्क है, वी आर रनिंग 312 लैब टेस्ट्स, एंड प्रोक्योरमेंट जो जब मिल्क जो फर्स्ट आता है फर्स्ट स्टेप, उसी टाइम में ऑटोमेटिक मिल्क चेकिंग होता है, एक मशीन होता है वहाँ पे ऑटोमेटिक मिल्क चेकिंग होता है, वो सॉफ्टवेयर में ही NDDB का एक सॉफ्टवेयर है वहीं पे अपलोड होता है। इफ़ वी डज नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स वी रिजेक्ट इट एट द बिगिनिंग ओनली, सो वी डोंट टेक एनी मिल्क विच इज़ नॉट मीटिंग अवर स्टैंडर्ड्स। सो मिनिमम फैट परसेंटेज प्रोटीन एंड अदर मिल्क सॉलिड्स उतना मिनिमम होना चाहिए, एंड देर शुड बी नो कंटेमिनेंट्स केमिकल और ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स। तो ऐसा चेक करके ही मिल्क लेते हैं, फिर बाद में उसको प्रोसेसिंग जो करते हैं, प्रोसेसिंग में हमारा एक बहुत ही अच्छा, आप कभी आप लोग आए तो हमारा लैबोरेटरी दिखाते हैं, वो 24 आवर्स द लैबोरेटरी एवरी सैम्पल ऑफ मिल्क विच कम्स इनसाइड द डायरी, वो लैबोरेटरी का कंटिन्यूस चेकिंग होता है, बैक्टेरियोलॉजिकल केमिकल सब कुछ चेकिंग होकर ओनली इफ़ इट मीट्स द स्टैंडर्ड्स देन मार्केट में बाहर भेजते हैं डेयरी के बाद, नहीं तो इट विल जस्ट रिजेक्टेड देयर ओनली। सो बेसिकली द प्रोडक्ट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। दूसरा ये जो है हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है हमारा स्टेट का, हमारा बहुत ही बड़ा नेटवर्क ऑफ डॉक्टर्स, ऑलमोस्ट 6,000 डॉक्टर्स और वेटनरी हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज मोबाइल क्लिनिक्स, बहुत बड़ा नेटवर्क है। जैसे कि मैंडेट क्या है, 1 लाख जानवर के लिए इतना डॉक्टर्स होना चाहिए, हमारा वो नेशनल एवरेज है। एंड हमारा वैक्सीनेशन शेड्यूल, वी आर द कवर्ड ऑलमोस्ट मेनी साइकिल्स ऑफ वैक्सीनेशन, इवन FMD, ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेस, एंड वी मेंटेन वेरी गुड क्वालिटी ऑफ फीड ऑल्सो। सो ये मिल्क का प्रोडक्ट का क्वालिटी, उसका स्टोरी शुरू होता है फीड से, जो खाना ये खाता है पशु और हमारा कव जो खाना खाता है वहाँ से शुरू होता है क्वालिटी का सफ़र। तो वहाँ पे फीड क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो अभी आज आगे सब सब अच्छा आएगा। सो अभी हमारा हम लोग एक एक्ट भी ला रहे हैं दिसंबर में, उसमें क्या कर रहे हैं कि इट इज़ एक्ट टू रेगुलेट फीड प्रोड्यूसर्स। सो जहाँ पे मार्केट में प्राइवेट फीड प्रोड्यूसर्स भी है, हमारा KMF में भी बहुत सारा प्लांट है। अभी आपको पता है कि फार्मर्स को बहुत दिक्कत होता है कि मेजर कॉस्ट ऑफ डेयरिंग में फीड कॉस्ट ही होता है,
तो फीड में मेज और सोयाबीन और सब उसका सब प्रोडक्ट्स का चलता है। तो जो प्रोडक्ट हम लोग डेवलप किया है सो उसका एक्सपेंशन करके फार्मर्स को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स उसमें अफलॉट रीजनेबल प्राइस में एंड उसमें देर इज नो कंटेमिनेंट्स लाइक अफलॉट टॉक्सिन्स जो वेरी डेंजरस ऑल्सो ऑल दोज थिंग्स वी आर मेकिंग श्योर। एंड प्राइवेट फीड मैन्युफैक्चरर डीलर सेलर सब लोग एक्ट के बाद रजिस्टर करना है, उनका टिकिंग होगा, देन ओनली लाइसेंस एंड अदर थिंग्स विल बी इशूड फॉर देम टू डू प्राइवेट फीड बिजनेस, अदरवाइज इट जस्ट विल नॉट गेट कंट्रोल करके तो अभी हम लोग ला रहे हैं। सो इट इज़ वर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आवर डॉक्टर्स आवर वेटनरी टेक्नीशियंस डॉक्टर्स और हमारे फार्मर्स। इट इज़ फुल प्रोडक्ट। वन क्वेश्चन मोर, आपने बताया कि आपने एक पूरा चेन डेवलप किया है फीडिंग से लेकर प्रोडक्ट लॉन्च करने तक। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दिल्ली के बाज़ार में, नॉर्थ इंडिया के बाज़ार में आपका मुकाबला अमूल और मदर डेयरी जैसे बड़े ब्रांड से है, अमूल जो कि अब अमेरिका में भी बिक रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसको, कैसे मुकाबला देंगे? और रही बात एक आम आदमी के हिसाब से, तो क्या आपका दूध इनसे सस्ता है? अभी के लिए तो हम लोगों का, हम लोग उन्हीं से सीख रहे हैं। अमूल तो हमारे देश का ब्रांड है, हम उन्हीं से सीख रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा बनाने का पूरा जो एफर्ट्स डाल रहे हैं और करेंगे उनका। एंड इट इज़ नॉट कंपटीशन, ऐसा वो नहीं है कि वो कोऑपरेटिव सेक्टर में है, ऑल डायरीज आर इन कोऑपरेटिव सेक्टर। सो एवरीबडी हम लोग उनसे सीखते हैं कुछ, कुछ वो लोग हमसे, ये तो आपस में हम लोग सीख के आगे बढ़ते हैं। पर्पस क्या है कि फार्मर्स को बेनिफिट होना चाहिए और कंज्यूमर्स को बेस्ट क्वालिटी मिल्क चलना चाहिए, दिस इज़ आवर इंटेंशन। सो इसमें दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर अस एंड लाइक दिस इज़ द नेशनल कैपिटल, सो यहाँ पे तो पूरा देश के लोग आते हैं, इट विल स्प्रेड आवर प्रोडक्ट मच फर्दर। तो क्या दिल्ली NCR के बाद दूसरे राज्यों में भी आप लोग दस्तक देंगे? अभी के लिए हम लोग केरला में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यहाँ पे हमारा रेगुलर सेल्स मिल्क, फ्रेश मिल्क का सेल चल रहा है। अभी दिल्ली वी हैव स्टार्टेड, वी विल सी द लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह का लॉजिस्टिक्स एंड वहाँ पे भी हमको रीपैकेजिंग का जगह मिलना चाहिए और डीलर्स नेटवर्क एंड ऑल। अभी दिस मार्केट विल फोकस, सो वील ट्राई टू मेंटेन आवर बेस्ट क्वालिटी एंड ये सब एक दिन दो दिन में नहीं होने वाला, ये सब तो धीरे धीरे एंड इट सब वर्षों का काम चलेगा। थैंक यू, हैव अ गुड विशेस विद यू। आई आल्सो वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज ट्राई द फ्लेवर्ड मिल्क, द प्रोडक्ट्स ऑफ नंदिनी एज वेल एज आवर फ्रेश मिल्क। आपको डिफरेंस 100% आपको डिफरेंस लगेगा, उसका टेस्ट और स्मेल में ही आपको डिफरेंस लगेगा। दिस मिल्क इज 100% प्योर काउ मिल्क, हमारे यहाँ मिल्क मिक्सिंग नहीं होता है, तो काउ मिल्क उसका सोर्स फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड तक इट इज मेंटेन्ड सेपरेटली, बफेलो मिल्क इज मेंटेन्ड सेपरेटली, सो देर इज़ नो मिक्सचर ऑफ काउ एंड बफेलो मिल्क इन नंदिनी प्रोडक्ट्स। प्राइस के बारे में एक बार बता दें। प्राइस को बिगिनिंग के लिए और अभी के लिए भी वी होप दैट वी विल मेक यू वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो कुल मिलाकर सर बता रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी कोशिश ये है कि दिल्ली NCR के लोगों को भी साउथ इंडिया की तरह प्योर मिल्क प्रोवाइड कराया जाए। कैमरा पर्सन विद्याधर बारीक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़ दिल्ली।